First session, they are most welcome. Ma'am, we can continue, and Okay. after 12 o'clock, we have interaction section for half an hour. Continue. Fine, fine. So, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट था कि जेंडर गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए. दूसरा पार्ट है कि मीडिया का क्या रोल है सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो इसमें हमारी तीन चीजें बड़ी प्रोमिनेंट हैं. पहला तो ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या चीज. देखिए, हम अगर किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, रेप, क्या क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट है? सेक्सुअल हरासमेंट क्या चीज है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? देखो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्गेनाइज एंड एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो फॉर्मल सेक्टर है, जहां हम पब्लिक सेटअप में काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज टोटली डिफरेंट. देयर वर्किंग कंडीशन आर टोटली डिफरेंट. सो आई बिलीव हेयर दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज अबाउट सेक्सुअल हेरासमेंट, विच इज अ मोर सटल फॉर्म ऑफ, जो ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा घातक प्रक्रिया है एक सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल वायलेंस की, उसके बारे में. और उस इस सारी प्रक्रिया को ठीक करने में मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है. तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को इन ब्रॉड कैटेगरीज में डाला है कि पहला तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, सेक्सुअल हेरासमेंट क्या है, क्या ओवरव्यू है हमारी कंट्री में सेक्सुअल हेरासमेंट का, मीडिया और सोशल एंगेजमेंट कैसे हो सकती है, मीडिया का क्राइम डिपिक्शन और कंडक्ट कैसा है, पब्लिक में मीडिया की कैसे इंटरेक्ट होगा, सरकार के क्या कार्यक्रम है जो मीडिया के मार्फत लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, और इस क्राइम को प्रिवेंट करने में मीडिया कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है. फर्स्ट इज सेक्सुअल हेरासमेंट क्या है. तो आपको सब पता है सेक्सुअल हेरासमेंट क्या है, बट मेरा एक तरीका है कि जो जो टर्मिनोलॉजी हम एक प्रेजेंटेशन में एक टॉपिक में यूज करते हैं, उसकी जब तक थॉरो अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक जो हम उसके कंटेंट के बारे में चर्चा कर सकते हैं, वो हमारे हमारे सिस्टम में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठेगा, अगर हमें जो बेसिक टर्म हम यूज कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं है. हो सकता है आप लोग सब जानते हो, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे भी ब्रॉडली पता है सेक्सुअल हेरासमेंट क्या है, लेकिन टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रेजेंटेशन आई हैड टू लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट. और वो मुझे कहीं लगा कि बहुत चीजें हम एक जनरल सोच में नहीं सोचते जो कि इन इस तरह के कंसेप्ट में क्लैरिफाई होती है. तो सेक्सुअल हेरासमेंट बेसिकली इट्स अ बिहेवियर विच इज गाइडेड बाय द सेक्सुअल कॉनोटेशन, जो विच कैन बी अब्यूसिव, इंजूरियस एंड अनवेलकम. मतलब सेक्सुअल हेरासमेंट में कहीं हम कोई गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच कैन बी हम गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं विमेन के सेंटिमेंट्स के साथ को उनको इंजर कर रही है और वो विमेन पसंद नहीं कर रही है. ऑल दैट कम्स अंडर सेक्सुअल हेरासमेंट. ये वो चीज है जो जो विक्टिम्स को, जो खासकर महिलाओं के लिए ये चीज कही गई है, उनको मतलब इस तरह के एटमॉस्फेयर में लाती है कि वो भयभीत है. दे आर इंटिमिडेटेड, दे आर ह्यूमिलिएटेड एंड दे बिकम हॉस्टाइल, जिससे कि उनके एक सामाजिक, उनके आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है. तो किसी एक म्यूचुअल फ्रेंडली बिहेवियर इज नॉट सेक्सुअल हेरासमेंट. और इफ अ पर्सन इज इन लव विद अनदर पर्सन, ही इज मेकिंग अ रोमांस, दैट डजंट कम, दैट इज नॉट काउंटेड एज सेक्सुअल हेरासमेंट. बट इफ इट इज अनअसेप्टेबल टू विमेन, इट इज अनवेलकम बाय विमेन, इट इज नॉट वॉन्टेड बाय विमेन, इट कम्स अंडर सेक्सुअल हेरासमेंट. इट इज ऑल्सो अबाउट अनइक्वल पावर रिलेशंस. देखिए, कहीं हम ये नहीं समझते थे कि सेक्सुअल हेरासमेंट जो है वो उसकी उपज जो है वो अनइक्वल पावर रिलेशन से भी होती है. स्पेशली जब हम सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो मोस्टली बाय अ बॉस टू अ सबॉर्डिनेट और बाय अ कुलीग. तो जनरली
महिलाएं उस स्थिति में होती हैं कि दे कैन नॉट इक्वेट, दे कैन नॉट सेटल स्कोर्स विद दैट पर्सन, सो दैट गिव्स राइज टू हर हरासमेंट एट वर्क प्लेस। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्सुअल हेरासमेंट के बारे में कहा है वो ये है कि इट इज एन एस्पेक्ट विच डिस्क्रिमिनेट्स वुमेन एंड इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हर इन टोटल वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एज वर्कर्स। जब हम वुमेन इंजॉय यू नो देयर इज अ राइट टू सेफ्टी, देयर इज अ राइट टू स्पीक, देयर इज अ राइट टू डू एवरीथिंग विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वुमेन, तो जब उसके उन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है और इस तरह की एक डिस्क्रिमिनेशन की जाती है वुमेन से, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल हेरासमेंट। इसके फैक्ट्स क्या हैं? सेक्सुअल हेरासमेंट इज अ यूबीक्विटस हजार्ड। यूबीक्विटस हजार्ड का मतलब ये है इट हैज नो बाउंड्रीज। यू कैन नॉट से कि सेक्सुअल हेरासमेंट जो है वो इंडिया में है, बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है या कनाडा में नहीं है। इट्स अ यूबीक्विटस हजार्ड विच हैज नो बाउंड्रीज, विच हैज नो लिमिट्स, विच हैज नो बॉर्डर्स। इन सम फॉर्म और द अदर्स सेक्सुअल हेरासमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड बिकॉज इट इज अ यूबीक्विटस हैजर्ड देयर आर कंसर्न्स अबाउट यू नो हाउ वी हैव टू एड्रेस दिस इशू। हालांकि हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जो है वो एक ज्यादा कॉमनली यूज्ड वायलेंस है, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा परेशान करने वाली जो फॉर्म है, जो ज्यादा विमेन को सप्रेस करती है, ज्यादा उनको भयभीत करती है, वो है सेक्सुअल हेरासमेंट। इस पब्लिक मीडिया में सेक्सुअल हेरासमेंट 75 ऑनवर्ड्स यूज हो रही है, लेकिन लीगल सेंस में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में इस क्राइम के अगेंस्ट गाइडलाइंस बनाई थी, विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी, जो वर्सेस इट वाज इन द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आप सबने भांवरी देवी केस को सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा। आप हु वाज अ सोशल वर्कर, तो शी वाज आल्सो फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब वो बिकॉज शी वाज अ सोशल वर्कर तो शी यूज्ड टू डोर जाके वो लोगों को बताती थी जो सोशल इविल्स हैं अबाउट वेमेन, जैसे मैरिज ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, बेटियों को ना पढ़ाना है, फीमेल फिटिसाइड है, गर्भ में ही लड़कियों को खत्म करना है। तो इन चीजों के बारे में शी यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल ऑफ हर विलेज फ्रॉम डोर टू डोर। एंड इन इन अ केस यू नो एक 9 महीने की बच्ची की एक गांव में इन एन अपर कास्ट फैमिली उसकी शादी की जा रही थी, तो शी वाज द वन हु रेज्ड दिस वॉइस टू स्टॉप दैट मैरिज। हालांकि अगले दिन उस 9 महीने की बच्ची की शादी कर दी गई, बट दिस अराउज्ड यू नो प्रॉब्लम विद द अपर कास्ट पीपल हु गैंग रेप्ड हर, हु मर्डर्ड हर सब्सिक्वेंटली। बट आप ये देखिए कि उस स्थिति के लिए शी वाज सो वोकल एंड शी वाज सो अपराइट, शी वाज सो फेयरलेस कि उसने इसके इसके लिए लोकल कोर्ट में केस किया, जो कि खारिज कर दिया गया, और जो उसके परपिट्रेटर्स थे उसको उन्होंने देवर एक्विटेड, उसको बरी कर दिया गया। इट टुक 22 years फॉर हर टू फाइल अ केस इन द स्टेट गवर्नमेंट, यू नो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में उसने किया। आज अभी भी उसकी शायद सुनवाई नहीं हुई। तब एक विशाखा नाम की जो एनजीओ है उसने सुप्रीम कोर्ट में, उस एनजीओ ने और बाकी एनजीओ ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की उसके लिए जस्टिस मांगते हुए, जिसको कि पहली बार इस क्राइम को, सेक्सुअल हेरासमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने माना और उन्होंने कहा कि इट इज मोर सटल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। इसके लिए गाइडलाइंस बनाई, जो कि आज हमारे एक एक नियम, एक सरकार का एक्ट बना है जो जिसको मानना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, उन्होंने इसकी ग्रेविटी को समझा, और उसके 16 साल के बाद 2013 में ये जो आपका पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट एक्ट 2009,
3 टू प्रिवेंट सच क्राइम्स एट वर्क प्लेस बनाया गया। ये भी एक सत्य है कि हालांकि हमारे देश में 2013 में ये एक एक्ट बन गया था, लेकिन आज भी अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी की इंडेक्स पे देखते हो तो 127वां नंबर है भारत का विश्व में, और जेंडर गैप के पैरामीटर पर 114वां नंबर है। तो ये है हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति। और हालांकि 2013 के एक्ट में कहा गया कि 10 एम्प्लॉय से ज्यादा जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, वहां पर इस रिड्रेसल के लिए, इस ये जो हेरासमेंट है इसके रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने इस लॉ को नहीं माना, उन्होंने एनेक्ट नहीं किया। इंडिया में अगर हम इसकी बात करें तो कोई सेंट्रल मैकेनिज्म आज भी नहीं है ये डेटा कलेक्ट करने के लिए कि महिलाओं के साथ कितनी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। ऑक्सफैम ने बताया है कि टोटल प्राइवेट मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में 17% हमारी विमेन ऐसी हैं हु आर फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन डे टू डे बेसिस, पर ये इंस्टांस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा है। क्या है कि क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां की जो महिलाएं हैं, एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, इनएक्सपीरियंस है, उनमें कोई स्किल लेवल नहीं है, उनको लेजिस्लेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा ये है कि ये महिलाएं, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आगे बताऊंगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आता है। जो आपके रोड साइड वेंडर्स हैं, जो घर में काम करने वाली मेड्स हैं, जो कुलीज हैं, जो आपका सड़क पे खोमचा लगाकर जो बेचते हैं सामान, वो हैं, दे ऑल कम इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई सफाई कर्मचारी सड़क पर झाड़ू लगाने वाला है तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम अब आउटसोर्स करते हैं किसी एजेंसी को। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं है, इसलिए कोई मैकेनिज्म नहीं है वहां पर। तीसरा ये है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी उनको होता है, भी आज अगर वो शिकायत करेंगी इन चीजों की तो कल उनकी जॉब चली जाएगी। और इन लोगों के लिए जो डेली वेज लेबरर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके लिए गली उनका वर्क प्लेस है, वहां कोई कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की कि भाई मेरी ज्यूरिसडिक्शन में ये हुआ तो यहाँ पर मैं आपका पॉश एक्ट लागू कर सकता हूँ। अब आप ये भी देखिए कि 712 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के, और ये जो एक लोकल कमेटी इस चीज को रिड्रेस करने के लिए उस एक्ट में बनाई गई है, वो सिर्फ 107 जिलों में बनाई गई है। और यहाँ तक कि एक मुंबई के जो जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर लोकल कमेटी होती है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट की लोकल कमेटी की चेयरपर्सन ने अभी हाल ही में बताया था कि 2015 से लेकर 2018 के बीच में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक भी कंप्लेंट नहीं है। नाउ दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल हेरासमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेक्सुअल हेरासमेंट की लीगल डेफिनेशन जानना भी बड़ा जरूरी है कि अगर ये पांच चीजें हैं, एक या एक से ज्यादा फ्रॉम दीज फाइव थिंग्स हैपन, दिस बिकम्स अ केस ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट। अगर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांस एक्सटेंड किया जाता है बाय बाय अ मेल और अ फीमेल, दिस अमाउंट्स टू सेक्सुअल हेरासमेंट। अगर कोई डिमांड या रिक्वेस्ट की जाती है किसी तरह के सेक्सुअल फेवर के लिए कि आप मुझे ये यू यू मन आई वांट टू हैव रिलेशंस विद यू, यू विल गेट प्रमोशन, और आई वांट टू हैव रिलेशंस विद यू, सेक्सुअल रिलेशंस विद यू, मैं आपका ये क्राइम माफ कर दूंगा। तो किसी सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है, या कि कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क भी दिया जाता है कि भैया आज तो आप बड़ी बम लग रही हैं, या आप कोई मतलब इस तरह से यू आर वेयरिंग अ वेरी प्रोवोकेटिव ड्रेस, दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्सुअल हेरासमेंट। कोई पोर्नोग्राफी की चीज दिखाई जाती है, या कोई और अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल, हेयर नॉन वर्बल पर ज्यादा बल दिया गया है कि इट्स नॉट दैट के आई से समथिंग फ्रॉम माउथ और आई एक्सटेंड सम मतलब आई वॉन्ट आई हैव डन समथिंग फिजिकली, बट अगर मेरा कोई जेस्चर, नॉन वर्बल जेस्चर भी, आंख मारना, कुछ और हरकत, गंदी हरकत करना, लाइक इफ आई प्रोजेक्ट लाइक अ स्नाउट,
तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरासमेंट। ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपके दायरे में आपने जो अपने कार्यक्रमों में जो प्रोजेक्शन करनी है इस तरह की चीजों की, सो यू शुड नो व्हाट्स व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। मीडिया और सोशल एंगेजमेंट क्या है? मीडिया ऑफन एक्सपोजेज एंड डिफाइन सोशल इशू। ये हम सब जानते हैं कि जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनको मीडिया, जब मैं मीडिया की बात करती हूँ तो मैं टीवी और रेडियो की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया। सो आई एम यूजिंग द टर्म मीडिया हेयर, आई एम यूजिंग इट ओनली फॉर टीवी एंड रेडियो। तो मीडिया इन चीजों को जनरली एक्सपोज करता है, इनको डिफाइन करता है। मीडिया कंस्ट्रक्ट्स द आइडेंटिटी, कौन विक्टिम है, कौन सर्वाइवर है, कौन परपिट्रेटर है, वो करता है। मीडिया इमेजेस और प्रोटोटाइप्स भी कंस्ट्रक्ट करता है और सिस्टम में जितनी इनएक्यूरेसीज हैं उनको परपिचुएट करता है। जो क्राइसिस है पब्लिक अटेंशन को इनवाइट करने के लिए, उस क्राइसिस को भी मीडिया प्रोफाइल करके दिखाता है। मीडिया जो एजम्पशंस और पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी मीडिया का काम है चैलेंज करना, और अल्टीमेटली जो नए प्रोफेशनल आइडियाज हैं इसको कम करने, मतलब किसी भी चीज को बढ़ाने या घटाने के लिए, उसकी जानकारी, उसकी डिसेमिनेशन भी मीडिया करता है। तो मीडिया की जो सोसाइटी के साथ ये एंगेजमेंट है, एक तरफ मीडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरी तरफ ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि हमारी जो जनता है वो उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल है, उसकी वो कैसा सोचती है इस तरह के सोशल इवेल के लिए। जो जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं वो एक सोसाइटी में एक फियर पैदा करते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे निठारी केस था या और हाथरस का केस है और चीजें हैं, वो मतलब जनरली आप एक सोसाइटल सेटअप को देखेंगे तो वी हैव अ फियर फॉर द सेक्सुअल ऑफेंडर विच इज बेस्ड ऑन, कोई किसी का माइक ऑन है शायद, हेलो गुंजन, एम आई ऑडिबल? हेलो 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 गुंजन, हेलो हाँ इज एम आई ऑडिबल? ये अर्पदा लक्ष्मण पलिया जी यस फोन। मैम, आई एम जस्ट म्यूटिंग पीपल। हेलो यस हेलो नीरज मैम, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। आई हैव जस्ट म्यूटेड अदर पीपल। हाँ बोलिए। हेलो या हेलो सर, हेलो प्लीज से योर नेम। कौन कौन पूछो बोलता जी ऑडिबल? ओके, शैल आई कंटिन्यू विद इट? यस मैम। ओके ओके, तो जो एक एक तरफ हमारे मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरी तरफ जो लोगों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, लोगों की जो साइकी है, लोगों की जो सोच है वो कैसी है। जनरली पब्लिक सेक्सुअल ऑफेंडर से डरते हैं, उनकी एंजाइटी होती है। दूसरा ये है कि जो सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल हैरासमेंट का जो एविडेंस, जो केस होता है, लोग उसको एक इंडिविजुअल मॉरल फेलिंग समझते हैं। वो कहते हैं वो आदमी ऐसा था उसने किया, या वो ऐसे परिवार से होगा उसने ऐसा किया। वो इसको एज अ सोशल इवल नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये एक रोग की तरह से है। दिस इज अ बैड थिंग इन आर सोसाइटी विच नीड्स टू बी चेंज्ड। जनरली पब्लिक इस तरह के जो जो केसेस होते हैं उनको एक मॉरल वैल्यूज, ऑफेंडर की मॉरल वैल्यूज के साथ जोड़ के देखती है, या उसके परिवार के साथ जोड़ के देखती है। और जो सोशल और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, जो इन चीजों का रूट कॉज है, जिसकी वजह से ये होती है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है, जैसे जैसे देयर इज सम I again hear some other sounds. Please mute yourself. तो
हमारी पब्लिक जो है वो इन चीजों के बारे में उनको जानकारी वेरी लिटिल ग्रास्प है, जो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो बेसिकली इस चीज की जड़ है कि हमारे समाज में जेंडर इनइक्वालिटी है, हमारे समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, या हमारे जो सोशल नॉर्म्स है वो माइजोगाइनिस्टिक है. माइजोगाइनिस्टिक का मतलब समवेयर वी हैव अ डिसलाइकिंग फॉर वुमेन, समवेयर वी हैव अ हेटरेड फॉर वुमेन. हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम उसको एक बैक सीट देते हैं परिवार में, समाज में, कम्युनिटी में. हम वी डू नॉट वॉन्ट दैट शी शुड स्टैंड एट द सेम लेवल एज मैन. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कि भाई पैसा ठीक है कमा रही है, लेकिन हक उस पैसे का खर्च करने का वो पुरुष का है. हमारी सोसाइटी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं. तो जो आम जनता की अंडरस्टैंडिंग है सेक्सुअल हैरासमेंट या सेक्सुअल वायलेंस के बारे में, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं है कि भैया असली जड़ तो ये है, जो एक ऑफेंडर ने कोई काम किया है, गलत काम किया है, वो इसलिए नहीं किया कि वो गंदा आदमी है या वो गंदे परिवार से बिलोंग करता है, वो इसलिए है कि हमारा समाज ऐसा है. इन चीजों को पब्लिक नहीं समझती है. तो इन चीजों को, जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए मीडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है. और एक एक आम धारणा ये भी है पब्लिक की कि क्या ट्रीटमेंट, क्या भाई ये हो गया तो हो गया भैया, अब क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, कोई इसका सही इलाज नहीं होने वाला. एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट पे भी बड़े डाउटफुल होती है पब्लिक, कोई क्या कैपेसिटी चेंज करेगी लोगों की, क्या बदलाएगी लोगों को. तो मतलब जो एक कहीं ना कहीं जो हमारे जनता है वो इस क्राइम को इन इन इवल्स के साथ जोड़कर नहीं देखती है, और उसको शक है सरकार के ऊपर या सरकार के कार्यक्रमों के ऊपर कि भैया ये तो कोई कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे था और ऐसे ही चलता रहेगा, क्या बदलेगी सरकार इन चीजों को, ये तो आदमी गंदा, इसने ये काम किया है. तो जहां एक और पब्लिक की इतनी पुअर अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों के बारे में, दूसरी ओर हमने देखा कि मीडिया और सोशल एंगेजमेंट कैसे होती है. तो इन परिस्थितियों में मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इनको बदलने के लिए. मीडिया हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन हाउ सोसाइटी अंडरस्टैंड्स एंड हाउ इट अप्रोचेस अ प्रॉब्लम. तो इन इन दिमाग के विचारों को जनता के, जब तक मीडिया बदलाव नहीं करेगा तब तक इन चीजों का अंत नहीं हो सकता. और अगर हमारा एक रॉबस्ट मीडिया है, एक डोमिनेंट मीडिया है, आज हम मीडिया को एक रॉबस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन मानते हैं, टीवी और रेडियो को, जब तक वो इस चीज को नजरअंदाज करके कि लोग क्या चाहते हैं, लोग सोसाइटी में उनका प्रेफर्ड स्टैंड क्या है कि भैया पुरुष मेन रहे प्रधान, स्त्री ना रहे, इन चीजों को, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं या क्या और सोर्सेज हैं जो मीडिया को काउंटर करते हैं, तो इन चीजों को एक डोमिनेंट मीडिया बड़ी अच्छी तरह से एड्रेस कर सकता है. और ये भी एक धारणा है कि अगर मीडिया में कोई चीज नहीं आई तो भैया उसको, विक्टिम को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. तो मीडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इन चीजों को कम करने में. अब मीडिया कैसे करता है इन चीजों को एड्रेस? एक तरफ तो हमने ये मान लिया ये सब चीजें देख के कि पब्लिक की बड़ी पुअर अंडरस्टैंडिंग है इन इवेंट्स के बारे में, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन करता क्या है मीडिया? मीडिया कैसे डिपिक्शन करता है आज के दिन क्राइम की? मीडिया एक दो दो तरह की डिपिक्शन है, एक एपिसोडिक कवरेज है, एक थीमेटिक कवरेज है. एपिसोडिक कवरेज है, जैसे आपने अभी हाथरस का केस देखा या आपने अभी उन्नाव का केस देखा, तो वहां पर मीडिया जो है वो एक पब्लिक फियर के रूप में दिखाता है इसको, लोग डरे इस चीज से और एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बननी चाहिए. हालांकि जो एपिसोडिक कवरेज है वो क्राइम के लिए बड़ी अच्छी है, इट इज टफ ऑन क्राइम की, उसको क्राइम मिलता है अगर आप एक चीज को बड़ा उछाल के दिखाते हो, आप सीधा क्राइम को दिखाते हो कि भैया हाथरस में ये किया उसने, तो इट कैन बी टफ ऑन क्राइम फॉर परपेट्रेटर. बट क्या है कि उस एपिसोड को देखा उन्होंने, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखा लोगों ने, लेकिन लोगों ने ये सामाजिक कुरीति जो है ये क्यों हो रहा है इस पर कोई विचार नहीं किया. इसके इसके ऑपोजिट जो थीमेटिक कवरेज है, जो चीज को केस से आगे जाकर दिखाती है, उसका बेटर इम्पैक्ट होगा. जैसे जो जो लोग थीमेटिक स्टोरीज देखते हैं,
वो सोशल फैक्टर्स जो इस क्राइम को करते हैं उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस सरकार है या सोसाइटी है उन उससे ज्यादा अकाउंटेबल हो सकते हैं। और थीमेटिक स्टोरीज जो हैं, जो मतलब इन चीजों को हाईलाइट करती हैं, उनका इम्पैक्ट पब्लिक पर बेटर हो सकता है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये डिस्टरबेंस क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रही, व्हाई व्हाई देयर इज अ डिस्टरबेंस। देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रोल यू कैन प्ले। सॉरी मैम, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू म्यूट ऑल पीपल। ये लेकिन लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि जो थीमेटिक स्टोरीज हैं उसको आप मीडिया वाले ज्यादा लाइक नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो न्यूज ऑफ द डे करके, एक थ्रिलर करके वो नहीं बनती है। यू नो, इट डजंट फिट इन टू द फ्रेमवर्क ऑफ न्यूज ऑफ द डे। सेंसेशनल नहीं बना सकते हो आप उसको। तो इसलिए आप चाहते हो कि एपिसोडिक कवरेज हो। बट कहीं ना कहीं इन क्राइम्स की आपको एक थेमेटिक कवरेज, टचिंग अपॉन द सोशल इवेंट्स जो इन क्राइम के पीछे जिम्मेदार हैं, उनको उनको दर्शाना होगा, उनको दिखाना होगा। और इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि मीडिया इन्फ्लुएंस करे पॉलिसी पर, एक कोर्स ऑफ एक्शन इन चीजों को चेक करने के लिए, रादर देन कि वो एक्चुअल इंसिडेंट्स दिखाए। अब मीडिया क्या करता है? मीडिया में पहली बात तो सेक्सुअल हेरासमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। रेप का कोई केस होगा, एबडक्शन का कोई केस होगा, तो वो मीडिया अच्छे से दिखाएगा। लेकिन जो ज्यादा सटल फॉर्म है सेक्सुअल वायलेंस की, सेक्सुअल हेरासमेंट, उसको मीडिया कहीं नहीं दिखाता। भाई कोई किसी ऑफिस में महिला को, किसी वर्क प्लेस पे एक महिला को परेशानी हो रही है, आप देखिए, सो सेक्सुअल हेरासमेंट कहाँ मीडिया कवर करता है? और जो कवर करता भी है वो ज्यादा सेंसेशनल है, बहुत एक्सप्लॉयटिव है, कई बारी वो ठीक भी नहीं होती, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है। और उसका एनालिसिस और उसका इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव, इगैलिटेरियन इज समतावादी, मतलब वो कितनी कितनी पुरुष और महिला दोनों पर कितना उसका असर हो रहा है, इन चीजों को कवर नहीं करता है मीडिया। मीडिया विमेन की बॉडी को ज्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है टू सेल प्रोडक्ट्स। और जो महिलाओं के साथ इनजस्टिसेस हो रही हैं उनको हाईलाइट शायद कम करता है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें। ये भी एक सच बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, जो आज के बड़े इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, वो कहीं ना कहीं पोलिटिसाइज्ड हैं। वो हर इंसिडेंट को, जो पॉलिटिकल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो चीज सूट करती है उसी रंग में ढालने की, उसी पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट मीट आउट हो। कई बार मीडिया जो है उस गंदी एक्टिविटी का, उस गलत एक्टिविटी का एक कारण भी बन जाता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का कारण भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई महिलाओं के लिए गलत डिफेमिंग रिमार्क्स यूज करता है तो दैट कैन हर्ट हर सेंटिमेंट्स, एंड दो थिंग्स कैन मेक वुमेन सफर। इसलिए मीडिया जो है वो लेस कंसर्न्ड है विमेन के इश्यूज के लिए, विमेन के राइट्स के लिए, और सेक्सुअल हैरासमेंट के मैटर में बिल्कुल शांत है। अब क्या करना चाहिए मीडिया को? व्हाट मीडिया शुड डू, व्हाट टीवी एंड रेडियो शुड डू अबाउट सेक्सुअल हैरासमेंट, अबाउट सेक्सुअल वायलेंस? मीडिया शुड बी कॉन्शियस टू प्रेजेंट विमेन इन देयर राइट पर्सपेक्टिव। दे शुड बी सेंसिटिव अबाउट जेंडर इश्यूज और विमेन के ह्यूमन राइट्स क्या है। वो मॉरल्स और एथिक्स को इट शुड ओवर एम्फेसाइज, और पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है सेक्सुअल हेरासमेंट या सेक्सुअल वायलेंस के, उसको अंडर एम्फेसाइज करना चाहिए। मीडिया शुड एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। इट शुड बिल्ड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट के भाई इन चीजों को ठीक करना है। इट शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू चेंजिंग द पेट्रियार्कल सेटअप इन द सोसाइटी। इट कैन डू ऑल दिस बाय डेवेलपिंग स्टोरी लाइन्स, इमेजेस, करेक्टर्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि विमेन के हेल्दी एटीट्यूड को प्रोजेक्ट करते हैं, और ना कि पुरुष पुरुष के उसको मैस्कुलिनिटी को, उनके रिलेशनशिप को, उनकी सेक्सुअलिटी को करते हैं प्रोजेक्ट। तो मीडिया को फेयर और फुल कवरेज करनी चाहिए, किसकी, जो विमेन पॉलिटिक्स में हैं, जो विमेन एक्सेल कर रही हैं स्पोर्ट्स में, जो विमेन एक्सेल कर रही हैं बिजनेस में, हेल्थ इश्यूज में,
और एजुकेशन में, ये मीडिया को करना चाहिए। प्रिवेंशन में मीडिया क्या कर सकता है इन चीजों को प्रिवेंट करने में, वो तो था कि अगर हो जाती है तब कैसे प्रोजेक्ट करना है मीडिया को, लेकिन होने से पहले मीडिया कैसे प्रोजेक्ट कर सकता है कि ये एक कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट करके, अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ इफ यू शो योर प्रोग्राम्स, शो सम काइंड ऑफ डायलॉग विद विद अ कम्युनिटी, यू कैन हेल्प रिड्यूसिंग दीज इंसिडेंट्स। अगर आप ये भी एक बात ठीक है कि जो सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा फॉर्मल इंटरेक्शन नहीं होती अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। जो एक्सपर्ट्स हैं अगर उनकी होती भी है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितना मीडिया का इम्पैक्ट है। इसलिए जो रिपोर्टिंग है मीडिया के थ्रू वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो विजिबिलिटी को बढ़ाए और पब्लिक डिस्कोर्स, उसमें पब्लिक ने कैसे रिएक्ट करना है, उन चीजों को फोकस करे, तो इन चीजों की अकरेंस जो है सोसाइटी में कम हो सकती है। मीडिया रिपोर्टिंग में पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, विक्टिम, परपिट्रेटर और आइसोलेटेड इंसिडेंट से हटकर जो जो जनरल एक कंसेप्चुलाइजेशन है कि दिस इज अ पब्लिक हेल्थ इशू, मतलब एपिसोडिक से थीमेटिक रिपोर्टिंग की तरफ मीडिया मूव करे, तो इन इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कर सकता है। मीडिया जो सोशल चेंज का, मैंने आई हैव ऑलरेडी टच्ड ऑन दिस इशू, मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉलिसी चेंज इन द पॉलिसी एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटल सेटअप। मीडिया कैन जनरेट सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। आप सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करो जो हमारे सोशल इविल्स हैं, लेकिन उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी उन प्रोग्राम्स में करो। पॉलिसी मेकर्स पे एक प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करो। कम्युनिटी मेंबर्स को एक्टिवेट करो फॉर अ पॉजिटिव चेंज। यू शुड एलिशिट न्यू इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव, एंड यू शुड फैसिलिटेट आउटरीच ऑफ गवर्नमेंट लॉज, प्रोग्राम्स, रेगुलेशंस to the general public. Media should be a mouthpiece of government in creating requisite awareness about this social evil. When I say ki government has to be a mouthpiece, to media needs to have a broader understanding of ki sarkar ke kya karyakram hai, sarkar isko kam karne ke liye kya kya kar rahi hai, aur kahin na kahin jo apne karyakram sexual harassment, sexual violence pe banate hain unme इन चीजों को कहीं ना कहीं दिखाएं, ताकि आम जनता को पता चले कि सरकार इज नॉट अ म्यूट स्पेक्टेटर टू दीज काइंड ऑफ सोशल इवेंट्स। सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। तो जो सरकार ने ये नियम अधिनियम बनाए हैं, मैं एक ब्रॉडली उसकी जानकारी भी आपको देना चाहूंगी, सो दैट यू आर अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द गवर्नमेंट टू चेक दीज थिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स जो है इसने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सॉरी इसने बड़े मतलब इस सेफ्टी ऑफ विमेन को बड़ी प्रायोरिटी दी है। और ये जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद एक उन्होंने नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड बनाया है विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अब बहुत सारे कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चला रहा है इसी निर्भया फ्रेमवर्क, फंड फ्रेमवर्क के अंदर, जिसमें कि वन स्टॉप सेंटर है जो कि महिलाओं के जो कंप्लेंट्स है एक ही जगह पर उनके उनकी कंप्लेंट ली जाएगी, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, उनको पुलिस असिस्टेंस मुहैया कराई जाएगी, उनको उनको अगर उनके दिमाग पर इस चीज का गहरा असर है तो उनको एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट देना है एक कंसल्टेंट या एक साइकेट्रिस्ट के साथ, वो सब सुविधा एक जगह पर प्रोवाइड की जाएगी। उनकी एक स्कीम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन हेल्पलाइन, एक 181 की हेल्पलाइन है जिसका प्रचार कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रमों में हो, ताकि महिलाएं जो है वो इस क्राइम से बच सके। महिला पुलिस वॉलंटियर्स की उनकी स्कीम है। इसके अलावा FWCD जो है वो स्पेशल लॉज और एक्ट्स भी चलाए बनाए हैं उन्होंने, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है, पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट 2013 का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। तो ये सब एक्ट भी कहीं ना कहीं बने हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि मीडिया एपिसोडिक कवरेज से हटकर थीमेटिक कवरेज पे जाए, सोशल
इविल्स पे ज्यादा फोकस करें रादर देन अ पर्टिकुलर केस ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट और सेक्सुअल वायलेंस, तो कहीं ना कहीं आपको जनता तक ये भी पहुंचाना होगा कि इस तरह के अधिनियम ऑलरेडी इन प्लेस हैं। सिर्फ ये है कि आपको सोसाइटी को, समाज को, परिवार को, कम्युनिटी को तैयार करना है कि विमेन के साथ अगर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना होती है तो वो इन एक्ट्स के अंडर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है और कहीं ना कहीं सजा मिले ताकि परपिट्रेटर को। इसी तरह से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2013 में, जिसको 2018 में मॉडिफाई किया गया कि अगर 12 साल की लड़की, नीचे की लड़की से रेप होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड करी थी जब 2018 में इस एक्ट की अमेंडमेंट की थी। और ये भी कहा गया था जब अमेंडमेंट के टाइम पे, ये भी किया गया था कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो उसका ट्रायल है, वो 2 महीने के अंदर पूरा किया जाए। इसके अलावा एक सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, शी बॉक्स जिसको बोलते हैं, ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी लॉन्च किया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को अगर उनका सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए पॉश एक्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन मदद दी जाएगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने 223 रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं जो कि टाइम टू टाइम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इस पॉश एक्ट के बारे में। और ये जो शी बॉक्स है, ये दो तरफ के काम करता है कि जो एम्पैनल इंस्टीट्यूशंस के साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज को भी शेयर करता है और मिनिस्ट्री भी इनसे फीडबैक ले सकती है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बहुत मेजर्स लिए हैं। इन्होंने एक ट्रैकिंग, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है सेक्सुअल ऑफेंस के लिए, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको 2019 फरवरी में ही शुरू किया गया है। ये टाइम बाउंड मैनर में इन केसेस को, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं, इन केसेस को मॉनिटर और ट्रैक करता है इन अकॉर्डेंस विद क्रिमिनल लॉ 2018 में जो बना था। नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी अभी 18 में ही बना है, ये फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टिगेशन को और सेक्सुअल ऑफेंडर्स को अक्रॉस द कंट्री बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। एक एमरजेंसी रिस्पॉन्ड सिस्टम बनाया है जिससे कि एक सिंगल इमरजेंसी नंबर है कंप्यूटराइज्ड 112 का, 112, जो कि कंप्यूटर डिस्पैच करता है फील्ड फंक्शनरीज को, फील्ड रिसोर्सेज को टू द लोकेशन ऑफ द क्राइम इमीडिएटली असिस्टेंस के लिए। जैसे ही 112 डायल किया गया तो उस कंप्यूटर सिस्टम में पता लग जाता है कि एक क्राइम कहाँ हुआ है और कंप्यूटर डिस्पैच करता है फील्ड रिसोर्सेज को फॉर द साइट ऑफ क्राइम। तो इस तरह के प्रावधान सरकार ने किए हैं। एक साइबर क्राइम पोर्टल बना है, ऑब्सीन कंटेंट अगर कहीं पर इंटरनेट के थ्रू कहीं इस तरह की चीज होती है तो वो भी इस पोर्टल के थ्रू उसको, उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब्स बनी है जिसमें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज में, कि वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि किस क्या क्राइम है, कौन परपिट्रेटर है, क्या हुआ है, कैसे डिटेक्ट करें और जो साइबर क्राइम्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी 8 सिटीज में चलाए गए हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्मार्ट पॉलिसिंग और सेफ्टी मैनेजमेंट का प्रावधान है। इसी तरह से डीएनए एनालिसिस यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया गया है सेंट्रल लेबोरेटरीज में, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में और स्टेट लेबोरेटरीज में भी किया गया है। और अभी ये वेरी रिसेंटली एक सेंट्रल चंडीगढ़ में किया गया है और 13 स्टेट्स में इनको स्ट्रेंथन किया गया। तो सरकार के प्रावधान है, कहीं ना कहीं हमें इनकी जानकारी भी मीडिया के थ्रू किसी न किसी फॉर्म में जानी चाहिए। इसी तरह से गाइडलाइंस बनाई है सरकार ने और नोटिफाई करी है कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस, असॉल्ट होता है तो उसकी जो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन है वो किस तरह से की जानी है और क्या स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन किट होता है, जो कलेक्शन किट है वो उसका प्रावधान भी किया है। बहुत जगह पर ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग की जा रही है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है इन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोरेंसिक एविडेंसेस। तो ये सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट भी इस ब्यूरो ने प्रोवाइड करे हैं एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो
ये सब चीजों की जानकारी एज अ मीडिया पर्सन यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजंस गवर्नमेंट हैज मेड टू चेक दीज क्राइम्स, और एक सरकार के माउथ पीस के रूप में मीडिया कैसे काम कर सकता है कि मीडिया जो जो जनरल पब्लिक मैंने बताया दे आर आइदर अनअवेयर ऑफ दीज एक्ट रूल एंड स्कीम्स ऑन वन हैंड, दे हैव अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द क्राइम, वो इसको एक इंडिविजुअल और एक सिख फैमिली से जोड़ते हैं, वो इसकी जो सोसाइटी के इवल्स हैं वो इन क्राइम के पीछे उनके हाथ को समझने में जनरल पब्लिक अनअवेयर है. मीडिया रिफ्लेक्शन अगर हो इन चीजों की सही तरीके से, इन जो सरकार के जो प्रोविजंस हैं उनकी रिफ्लेक्शन हो, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को और उनकी फैमिली के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, उनकी एक जनरल परसेप्शन जो ऑडियंस में है वो बिल्ड होगी, जो 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 हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डर दहशत आएगी. और इन फैसिलिटीज को कैसे महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर वो 112 को डायल करना है या वन स्टॉप शॉप का फायदा उठाना है या एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन है 181 की उनका फायदा उठाना है, तो ये उस उन चीजों को उनके फायदे को उठाने में महिलाओं को फैसिलिटेट करेंगी और सोसाइटी को इन जनरल एजुकेट करेंगी अगर इन प्रोविजंस की जानकारी लोगों को दी जाती है. और अल्टीमेटली मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हैविंग अ जेंडर जस्ट एंड अ जेंडर इक्वल सोसाइटी. सो आई विल एंड माय टॉक विद अ सेइंग ऑफ शोंडा राइम्स. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड हर नेम. शी इज एन अमेरिकन टेलीविजन प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, ऑथर. She said, words have power, TV has power, my pen has power, and all this can make women powerful. आज हमारा मीडिया अगर पावरफुल है, मीडिया अवेयर है कि उनको ऐसे क्राइम्स को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से प्रिवेंट करना है, तो बहुत पावर है. एक मैं यहाँ ओवरऑल मीडिया की बात करती हूँ. प्रिंट मीडिया में बहुत पावर है, टीवी रेडियो में बहुत पावर है, शब्दों में बहुत पावर है. तो अगर ये सब चीजों में पावर है और इनको इस्तेमाल करने वाले लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो देर इज नो रीजन वाई आर वुमेन कैनॉट बी पावरफुल बाय ब्रेकिंग ऑल बैरियर्स ऑफ द सोसाइटी. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. पार्टिसिपेंट्स शूट योर क्वेश्चंस नाउ. थैंक यू. या आई कैन हैव डिस्कशन विद यू. अगर कहीं पर लैक ऑफ क्लैरिटी है या आप कहीं पर ये समझते हैं कि जो चीज कही गई है, मतलब मेरा कहने का पर्सपेक्टिव एक था और आपका समझने का पर्सपेक्टिव दूसरा था, तो आई कैन क्लैरिफाई दोज थिंग्स ऑल्सो.